प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरचंदपुर निजामपुर गांव में एक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। दरअसल ये मगरमच्छ शिव मंदिर के तालाब में देखा गया था और मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीण डर के साए में जी रहे थे, जिसके बाद वन विभाग ने सूचना मिलने पर गाँव के तालाब से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया है और काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने इसे रेस्क्यू किया है और अब इस मगरमच्छ को किसी उचित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है जो हरिद्वार से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरिद्वार के गांव हरचंदपुर निजामपुर में एक भारी भरकम मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है और वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया है। दरअसल कुछ समय पहले शिव मंदिर के तालाब में इस मगरमच्छ को देखा गया था और मगरमच्छ के देखे जाने से ग्रामीण लगातार डर के साय में जी रहे थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर गांव में पहुंची और इस तालाब से मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं मगरमच्छ के रेस्क्यू किए जाने की वो पूरी तस्वीरें। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरचंदपुर निजामपुर गांव में एक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। दरअसल ये मगरमच्छ शिव मंदिर के तालाब में देखा गया था और मगरमच्छ के दिखने से ग्रामीण डर के साए में जी रहे थे, जिसके बाद वन विभाग ने सूचना मिलने पर गांव के तालाब से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया है और काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने इसे रेस्क्यू किया है और अब इस मगरमच्छ को किसी उचित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है जो हरिद्वार से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरिद्वार के गांव हरचंदपुर निजामपुर में एक भारी भरकम मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है और वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया है। दरअसल कुछ समय पहले शिव मंदिर के तालाब में इस मगरमच्छ को देखा गया था और मगरमच्छ के देखे जाने से ग्रामीण लगातार डर के साए में जी रहे थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर गांव में पहुंची और इस तालाब से मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं मगरमच्छ के रेस्क्यू किए जाने की वो पूरी तस्वीरें। अभी जवान को झड़ जाता फिर तो पत्थर लगता तगड़ी पकड़ो भाई। जवान को झड़ जाता फिर तो पत्थर लगता।